बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें आकांक्षा दुबे हत्याकांड में इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें आकांक्षा दुबे का आरोपी समर सिंह गिरफ्तार हो चुका है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से समर सिंह की गिरफ्तारी की गई है। और वही आकांक्षा के परिजनों ने इंडिया न्यूज को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया न्यूज की वजह से एक्शन में तेजी आई है और समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें आकांक्षा केस में इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर, खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है जिसके बाद आकांक्षा के परिजनों ने इंडिया न्यूज का धन्यवाद किया है। और लगातार देखिए आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार आरोप लगा रही थी कि समर सिंह ने ही हत्या की है। पंकज चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पंकज, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला और जो बात मधु दुबे लगातार कह रही थी कि समर ने ही उकसाया है उनकी बेटी को कि उन्होंने आत्महत्या किया, अब वो बात भी देखिए कहीं ना कहीं सामने आ रही है। समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिलहाल किस तरह की आगे की कार्रवाई की जा रही है जानकारी दीजिए। पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही, फिर से एक बार संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार आकांक्षा दुबे की मां मांग कर रही थी कि समर की गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कल गाजियाबाद से समर सिंह की गिरफ्तारी की गई है और बताया जा रहा है समर सिंह और आकांक्षा दुबे रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद लगातार मधु दुबे जो हैं, जो आकांक्षा दुबे की मां हैं, वो लगातार मांग कर रही थी कि समर की गिरफ्तारी हो। आपको जानकारी दे दें इंडिया न्यूज ने इस खबर को बाखूबी दिखाया था, इंडिया न्यूज के खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला है। समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और जिसके बाद आकांक्षा दुबे के परिजनों ने इंडिया न्यूज का धन्यवाद किया है। तो देखिए बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आपको जानकारी दे दे आकांक्षा दुबे केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दे समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, कल समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इंडिया न्यूज लगातार आकांक्षा दुबे से जुड़ी हुई इस खबर को लगातार दिखा रहा था और बड़ा असर भी देखने को मिला है। आपको जानकारी दे दे समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसके बाद आकांक्षा दुबे के परिजनों ने इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया न्यूज की खबर की वजह से इस पूरी कार्रवाई में तेजी आई है। देखिए हालांकि पहले भी मधु दुबे जो है वो लगातार कह रही थी कि जो पुलिस है वो सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन आपको जानकारी दे दे इस खबर को इंडिया न्यूज ने बाखूबी दिखाया और जिसका असर जो है वो भी देखने को मिला। कल समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, बता दें समर सिंह एक सिंगर हैं और बताया जा रहा था आकांक्षा दुबे के साथ इनका रिलेशनशिप भी था, जिसके बाद मधु दुबे ने बड़ा खुलासा भी किया था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को लगातार समर सिंह जो है वो परेशान किया करता था और उसने ही उकसाया है जिस वजह से मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। पंकज, एक बार फिर से सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानकारी लेंगे। पंकज, गिरफ्तारी तो हो चुकी है और इंडिया न्यूज की खबर का असर भी देखने को मिला और यही वजह है आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे और उनके परिजनों ने धन्यवाद भी व्यक्त किया है। फिलहाल आपसे यही समझना चाहूंगी कि गिरफ्तारी के बाद अभी तक किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे आपको, कल जैसे मालूम है कि कल जो है इसको गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वहां पे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के बाद बनारस से जो टीम गई थी उसको लेके भोर में बनारस पहुंची है। हालांकि अभी जो जानकारी आ रही है उसको अज्ञात स्थान पे उससे पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले जो जानकारी आ रही है कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि संजय सिंह की लोकेशन उससे ली जा रही है कि संजय सिंह कहाँ छुपे हुए हैं, संजय सिंह कहाँ है। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा जो संदीप सिंह जो व्यक्ति 17 मिनट आकांक्षा दुबे के साथ उस होटल में था उस रात में, तो उसके बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि संदीप सिंह को भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसको भी गिरफ्त में अपने लेगी और उसको जब उसकी जब गिरफ्तारी होगी उसको हिरासत में लेगा, जब उससे पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारी चीजें उसके मोबाइल से भी खुल के सामने आएंगी। तो कुल मिला के आपको बता दें कि आज उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि आज सेकेंड सैटरडे भी है। तो जो जानकारी मिल रही, जो शशांक शेखर त्रिपाठी जो मधु दुबे के अधिवक्ता हैं, उनका कहना है कि
आज सेकंड सैटरडे है, तो 2 बजे के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठेंगे, उनके सामने जो है समर सिंह को प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर पे आज उसको यहाँ बनारस की जेल में भेजा जाएगा। उनका यह भी कहना था शशांक शेखर का कि अगर मंडे को जब फिर उसको पुनः जब प्रस्तुत किया जाएगा कोर्ट के सामने, तो हम लोग इसको 3 सदों में परिवर्तित करने के लिए अदालत के समक्ष अपनी बातें करेंगे कि जो मामला आत्महत्या उकसाने वाला है उसको 3 सदों में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि डे वन से मधु दुबे जो आकांक्षा दुबे की माँ है वो आरोप लगा रहे हैं कि उसकी उनकी बेटी की आत्महत्या नहीं हत्या है, जो कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो आत्महत्या नहीं वो हत्या हो सकती है। तो और आपको दूसरा चीज ये बताना चाहेंगे, जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने बहुत तेजी से खबर को चलाया, दिन रात इंडिया न्यूज की पूरी टीम इस खबर पे लगी थी, उसका कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, पुलिस पे बहुत दबाव पड़ा कि समर सिंह को अंततः पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस बीच समर सिंह के ऊपर किसी रसूखदार व्यक्ति का भी हाथ था, इसीलिए थोड़ा उस पुलिस उसके कार गिरफ्तारी करने में हिला हवाली भी कर रही थी, पर इंडिया न्यूज ने जिस तरीके से खबर चलाई उसका असर हुआ कि समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बनारस लेके आई है। फिलहाल अभी अज्ञात स्थान पर उससे पूछताछ की जा रही है और स्थिति थोड़ी देर बाद क्लियर होगी कि कितने देर बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर पंकज देखने को मिला है और लगातार इस खबर को हम दिखा रहे हैं और एक एक जानकारी दर्शकों तक भी साझा कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत